खेड़ली क्षेत्र के गांव जोहाड़ू और दांतबाड़ में शुक्रवार को देर रात को आए तेज आंधी तूफान के चलते भीषण आग लग गई। फायर कर्मचारी अंकुश पंडा ने बताया कि गांव जोहाड़ू से सूचना मिली कि पहाड़ों पर किसी अज्ञात कारण से भयंकर आग लगी हुई है, जिस पर पुलिस और फायर कर्मचारी और सरपंच प्रहलाद सिंह चौधरी सहित ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। उसके बाद कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि गांव दांतबाड़ में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लगी हुई है, जहां फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से दांतबाड़ में भी सुबह आग पर काबू पाया गया। आग से पेड़ पौधे ईंधन जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रवार रात को देर रात आए आंधी तूफान की वजह से दो जगह आग लग गई, जहां पर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, तो क्या है इस मामले में ज्यादा जानकारी? जी आकांक्षा, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि शुक्रवार को दोपहर से ही मौसम में अचानक बदलाव आया था, तेज आंधी तूफान का दौर भी चला था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों पर भी भारी व्यवधान हुआ था, क्योंकि शादी ब्याह में लगे टेंट शामियाने भी तेज हवा और आंधी के कारण उड़ गए थे। वहीं आग लगने इसी आंधी तूफान के चलते देर रात्रि को एक गांव जहाड़ू है, वहां पहाड़ों पर अचानक ही किसी कारण अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर आग लगना, नीचे बस्ती का रहना, तो वहां कहीं आग की लपटें के गांव में ही नहीं आ जाए, इससे ग्रामीण और भयभीत हो गए। तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। वहीं ग्राम जहाड़ू के सरपंच प्रहलाद सिंह चौधरी ने भी ग्रामीणों का आह्वान करके आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया। वहीं दूसरी ओर गांव दांतवाड़ में भी ईंधन और कचरे में और भारी संख्या तादाद में आग की घटना हुई, जिससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। वहां भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंकुश पंडा ने बताया कि दो जगह आग लगने की घटनाओं को बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से काबू में पाया गया। ये आग लगने की घटनाएं तेज आंधी तूफान होने से और मौसम के अचानक बदलाव और हीट वेव के कारण भी आग के कारण बताए जा रहे हैं। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि देर रात आए आंधी तूफान के चलते भीषण आग लग गई। फायर कर्मचारी अंकुश पंडा के मुताबिक गांव जहाड़ू से सूचना मिली थी कि पहाड़ पर किसी अज्ञात कारण से आग लगी है, हालांकि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया।